क्लास सिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आप इस लेक्चर को यदि देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर आप कुछ ना कुछ खाना खाए होंगे। तो यहाँ पे तीन को खाना दिया हुआ है, फर्स्ट फूड है, सेकेंड फूड और थर्ड फूड। तो आप ये बताइए इन तीनों में से आप कौन से फूड को खाए थे, सुबह में या दोपहर में या फिर रात में। आप कभी भी अगर लेक्चर को देख रहे हैं तो इन तीनों में से आप कुछ ना कुछ खाए होंगे। बहुत के घरों में रोटी और चटनी देखने को मिलता है, बहुत के घरों में दाल चावल बनता है, दाल चावल सब्जी, और बहुत के घरों में रोटी चावल पनीर फिर मक्खन जो होता है वो भी बनता है, और कुछ के घरों में ये तीनों देखने को मिलता है अलग अलग टाइम में। अब ये जो हम फूड खाते हैं, आखिर हम ये फूड खाते क्यों हैं? क्योंकि सर इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। करेक्ट, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें मिलता है। अब किस चीज को खाएंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा, किन चीज को खाएंगे तो विटामिन मिलेगा, और किन चीज को खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कौन सा चीज को खाएंगे तो फैट मिलेगा। और आखिर हम लोग खाना क्यों खाते हैं सर? तो चलिए देखते हैं खाना आखिर हम लोग क्यों खाते हैं। तो फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लोग फूड को खाते हैं, जितने भी जीवित हैं वो सभी खाना को खा ही रहे हैं, सभी जीवित हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी। जीवित क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो लिविंग क्यों है? क्योंकि उनको एनर्जी मिल रहा है फूड से। अब ये जो एनर्जी है ये क्या काम करता है? तो ये हम लोग का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसमें हेल्प करता है। जैसे हम लोग डेली चलते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सर जो पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो इतना टाइम जो हम लोग लगा रहे हैं इसमें हम लोग का एनर्जी खर्चा हो रहा है। आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तभी लेक्चर को देख पा रहे हैं जब आप खाना खाए हैं, और उस एनर्जी को आपके बॉडी में है और उस एनर्जी से आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। ओ सर अब समझ गए। दैट मीन्स हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग को एनर्जी मिले। यस, तो हम लोग एनर्जी तो ले लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी किससे मिलता है? चावल से, दाल से, रोटी से, या सब्जी से, या फिर हम लोग जो गुपचुप वगैरह खाते हैं उससे मिलता है? तो देखते हैं किससे क्या मिलता है। इसके बाद यहाँ पे है, देयर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। फूड का अलग अलग वैरायटी है। अब जो अलग अलग वैरायटी है, जैसे अभी बोले चॉकलेट भी हम लोग खाते हैं, फिर दाल रोटी सब्जी चिकन, तो इन सब को खा रहे तो क्या एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग तरह के फूड आइटम है, तो हो सकता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हो। तो यहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये आखिर हम लोग को हेल्प कैसे करता है? तो जब हम लोग खाना को खाते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये एनर्जी हम लोग के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। कौन कौन से फूड आइटम है? जैसे दाल, दाल हम लोग डेली खाते हैं, चावल और दाल। फिर एक जो अंडा होता है, अंडा को भी खाते हैं कभी कभी सप्ताह में, सावन आ जाता है तो उसमें नहीं खाते हैं। फिर मीट में चिकन वगैरह खाते हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स। तो जब इन चीजों को खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और फैट आते हैं। और भी कुछ आता है सर? हाँ, मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स। ये चीज भी जो है वो फूड से मिलता है, और ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो सर एक बार इसको लिख लेते हैं,
हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको इसको लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स में जो कंपोनेंट है उस उनमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसके बाद जो देखने को मिलता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के साथ आप फैट भी लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में आप विटामिन्स भी लेते हैं, कुछ मिनरल्स भी लेते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम। तो ये जो है ये आपका न्यूट्रिएंट्स है जो फूड के कंपोनेंट के रूप में रहता है। जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। क्या जितने भी खाना हम लोग खाते हैं उन सब में ये पाया जाता है? तो नहीं, सभी में ये नहीं पाया जाएगा, कुछ कुछ में पाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, जैसे दाल, दाल में ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन। दाल में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट में जो होगा उसी को हम लोग लिखते हैं। तो दाल में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं, एग में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स है, मीट में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन के कैटेगरी में रखा गया है। विटामिन, तो विटामिन हम लोग कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हम लोग फल और सब्जी खाते हैं उससे हम लोग को विटामिन मिलता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, पल्स खाते हैं, दाल वगैरह भी, सीरियल्स जो अनाज होता है उसको खाते हैं, ओट्स होता है उसको जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और फैट जो तेल होता है, तेल हम लोग डालते हैं सब्जी में, फिर घी भी खाते हैं, बटर भी खाते हैं, चीज भी खाते हैं और चॉकलेट तो बहुत खाते हैं सर। तो चॉकलेट जो है ये भी आपका फैट में ही आता है। और क्रीम, क्रीम कहने का मतलब आइसक्रीम, जो गर्मी के दिन में बहुत फेवरेट है, तो क्रीम जो खाते हैं वो भी क्या है? फैट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाना है इस खाना को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है? रोटी। इस रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सब्जी, तो ये जो सब्जी जो है भुजिया बोल सकते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे विटामिन आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पनीर है तो इसमें फैट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ दाल टाइप से है तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बटर है तो इसमें भी आपको फैट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो सलाद है ये आपका फाइबर का काम करता है तो इसमें फाइबर देखने को मिलेगा। तो इतना सारा चीज इसी में है। इसके साथ इसमें चावल भी है तो इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो हम लोग खाना खाते हैं इसमें देखिए सारा चीज आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम लोग पानी भी पीते हैं तो वाटर भी देखने को मिल रहा है। अब जो लोग केवल रोटी और चटनी खाते हैं उनको तो ये सब चीज नहीं मिलेगा। जो रोटी होता है, रोटी में आपका प्रोटीन थोड़ा सा अमाउंट में रहता है, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, और जो चटनी है उसमें आपको मिनरल्स देखने को मिलेगा। तो केवल कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स से काम नहीं चलेगा। तो यदि आप रोटी और चटनी केवल खाते हैं तो और भी कुछ खाइए जिससे कि आप कम से कम बीमार पड़े। बीमार तो वैसे सभी लोग पड़ते हैं लेकिन यदि आप बैलेंस बैलेंस डाइट खाइएगा तो 5 साल में, 10 साल में एक बार बीमार पड़िएगा, और उस बीमारी में भी लगभग नॉर्मल फीवर ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लिए फूड में क्या क्या कंपोनेंट है। तो क्या क्या कंपोनेंट है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, फाइबर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी उनको खाना खिलाने के लिए कितना बोलती हैं, खाना खा लो बेटा, खा लो बेटा, लेकिन खाई भी नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए?
तो हम गुपचुप, केवल गुपचुप चाहिए, छोला भटूरा। और ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं, ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो देखिए यहाँ पे डेरी मिल्क खाएंगे, डेली दुकान पे जाएंगे और डेरी मिल्क खरीद लेंगे और डेली खाएंगे। इसका नाम भी है डेयरी मिल्क, लेकिन सब बच्चे लोग क्या करते हैं, डेली मिल्क, डेली जाएंगे और डेली चॉकलेट को खाएंगे। चॉकलेट में क्या है, केवल फैट है, तो केवल फैट खाने से आपको हमेशा एनर्जी नहीं मिलेगा, आप हमेशा हेल्दी नहीं रहिएगा, तो इसीलिए खाना भी खाना है साथ में। यहाँ पे देखिए इतना सारा फूड आइटम है और ये बच्ची जो है खा नहीं रही है। और यहाँ पे देखिए इनके खाना में देखिए क्या क्या है, केवल चावल है और पानी जैसा दाल है, फिर भी ये देखिए कितना चाव से खा रही है। तो जो भी खाना मिले उसको भरपूर खाना है, क्योंकि जो भी चीज, अगर चावल भी आप खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सारा चीज प्रेजेंट होता है। हाँ, ज्यादातर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब चीज होगा, तो इसीलिए केवल चावल खा के भी हम हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा चावल खाना होगा। और पानी जो होता है वो गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए। यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप इसको बंद करके गर्म पानी पीजिए। इसके बाद यहाँ पे अब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट मोस्टली एज स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होता है, जिससे कि एनर्जी मिलता है, क्योंकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलता है वो स्टार्च से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में होता है, पोटैटो में। यहाँ पे देखिए खेत से आप लोग के लिए आलू लाया गया है, ये है आपका पोटैटो, ये स्पेशल आपके लिए है, घर में नहीं होगा तो यहां से ले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे है वीट, ये जो वीट है ये भी आपके लिए है, अगर घर में नहीं है तो ये भी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये है वीट, वीट मीन्स गेहूं। तो हम लोग जो आटा पिसवाने जाते हैं, मतलब गेहूं पिसवाने जाते हैं और आटा से जो रोटी बनाते हैं, तो यही जो है वीट से रोटी बनता है, और उस रोटी को खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। और जो रोटी है, रोटी से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये है चावल, जिसको हम लोग राइस बोलते हैं, कुछ लोग इसको भात भी बोलते हैं। तो यहाँ पे है चावल, अब इस चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब किसमें कार्बोहाइड्रेट है किसमें नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, जितना भी फूड कंपोनेंट है उस सब को यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर से आयोडीन को डालेंगे। तो जैसे ही इसमें आयोडीन को डालेंगे, मान लीजिए इसमें डालेंगे, तो यदि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो इसमें अलग कलर देखने को मिलेगा, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, कुछ भी। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पोटैटो है इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कैसे हमें पता चला, ये जो आयोडीन है इसका ड्रॉप जैसे ही हम लोग इस पे डालें, तो यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो कैसा हो गया है, ब्लू ब्लैक। तो जहां पे कार्बोहाइड्रेट होगा उस पे जैसे ही हम लोग आयोडीन को डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। तो यदि ब्लू ब्लैक कलर अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है, और यदि स्टार्च है दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। बॉडी बनाने का मतलब क्या है, मसल्स।
तो मसल्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो हमें चाहिए वो प्रोटीन है। प्रोटीन यदि हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो हम लोग का ज्यादा से ज्यादा मसल्स का ग्रोथ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए मसल्स, इनका भी देखिए मसल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड टू बिल्ड मसल्स, तो कितना प्रोटीन चाहिए जिससे कि मसल्स डेवलप हो। तो हम लोग को तो मसल्स केवल डेवलप नहीं करना है, हम लोग को दिमाग भी डेवलप करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, केवल मसल्स डेवलप करते हैं और दिमाग डेवलप ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना भी है और साथ साथ मसल्स भी डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हर चीज अच्छे से खाएंगे। अगर मम्मी पापा कुछ चीज देते हैं कि इसको खा लो बेटा, तो ये नहीं कहना है नहीं खाएंगे मम्मी, उसको ध्यान से देखना है कि और उसमें क्या क्या है, और फिर सोचना है कि इसको खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी से हम पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री फायर भी खेल सकते हैं, कुछ गेम भी खेल सकते हैं, बाहर में जाकर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो जब एनर्जी मिलेगा तभी तो आप खेलिएगा और थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लेंगे। तो इसीलिए प्रोटीन जो है वो मसल्स के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन का क्या काम है, बॉडी बिल्डिंग बनाना, मतलब मसल्स का ग्रोथ करना। दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट, तो बॉडी के हर एक पार्ट को डेवलप करने के लिए प्रोटीन हमें चाहिए। ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हम खेलते खेलते क्या गिर जाते हैं, कोई पैर हाथ तोड़ लेता है, तो यदि पैर हाथ टूट जाता है तो प्रोटीन अगर खाएंगे तो वो जल्दी जल्दी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो रिपेयर करने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। वैसे अगर आप खेलते हैं तो ध्यान से खेलिएगा, गिरना पड़ना नहीं है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन हमें अंडा अगर खाते हैं तो वहां से मिलेगा। सर हम अंडा नहीं खाते हैं, ठीक है, अंडा नहीं खाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए लेंटिल्स है, जो अनाज वाला चीज होता है जिसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। तो यदि आप इसको खाते हैं तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। आप मक्का खाते हैं, मक्का में भी प्रोटीन है। तो जितना भी अनाज वगैरह चीज है उसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें प्रोटीन होगा। मीट, चिकन, तो चिकन जो नहीं खाते हैं उनके लिए दाल वगैरह है। लेंटिल्स, तो लेंटिल्स अभी देख ही लिए। तो इन सब में क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडा है, तो जो अंडा खाने वाले हैं वो अंडा खा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए चिकन है, रोस्टेड चिकन आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, तो मन होगा तो खा लीजिएगा, चटनी वगैरह छोड़ दीजिएगा। तो मीट खाते टाइम चटनी खाने का मन नहीं करता है। तो ये है प्रोटीन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये जब हायर क्लास में आप जाइएगा तो वहां पे आप पढ़िएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 और कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि हमें लगता है कि इसमें प्रोटीन है या फिर नहीं है, तो यदि हमको चेक करना है कि प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, उस खाना में हम लोग कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, तो इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसको हम लोग उसमें डाल देंगे। उसमें जैसे ही ऐड करेंगे, ये है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को उस फूड में डालेंगे, यदि उस फूड का कलर पर्पल कलर में चेंज होता है, यदि पर्पल कलर देखने को मिलेगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि उसमें क्या है, प्रोटीन है। तो ये टेस्ट के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है, आपका एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन को टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या क्या बनाना है, सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम लोग को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे,
तो जिसमें हम लोग को पर्पल कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्पल कलर। तो यदि पर्पल कलर देखने को मिलेगा दैट मीन्स उसमें क्या होगा, प्रोटीन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां पे है फैट। अब फैट हम लोग को कहां से मिलता है, तो जो हम लोग ऑयल सब्जी में डालते हैं, यहां पे देखिए ये है ऑयल, और कौन सा ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा ऑयल होता है। तो यदि इसको हम लोग वेजिटेबल्स में डालेंगे तो वेजिटेबल में फैट आ जाएगा। अब फैट का क्या काम है, फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा फैट्स में एनर्जी होता है। दे आर नीडेड इन मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी, अब ये हम लोग के बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। फैट आर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, तो फैट जो है रिजर्व फूड मटेरियल, दैट मीन्स क्या है, आप देखे होंगे कि नवरात्र में लोग भूखते हैं, नौ नौ दिन भूखते हैं, तो उस टाइम ये जो फैट होता है साल भर जितना भी खाए रहते हैं घी और मस्टर्ड, तो ये सबसे फैट बनता है उनके बॉडी में। और जब नवरात्र के टाइम में भूखते हैं दशहरा में, तो यही जो फैट है ये फैट टूटता है और इससे मिलता है ग्लूकोज जो होता है एनर्जी। और ये जो ग्लूकोज होता है इससे उनको एनर्जी मिलता है और वो उनका जो बॉडी है वो अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है रिजर्व फूड मटेरियल। जब इमरजेंसी का टाइम आता है, जब आप खाना नहीं खाइएगा, तो यही फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप जब बीमार पड़ते हैं तो यही फैट आपको एनर्जी देता है, जिससे कि आप बैक्टीरिया वायरस से लड़ पाते हैं। अब ये फैट कहाँ मिलेगा, ऑयल्स घी बटर, इसीलिए हम लोग को तेल घी बटर ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं खाना है कि फिर दिक्कत हो जाए, तो लिमिट में खाना है और बैलेंस में खाना है। अब इस फैट को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो फैट मटेरियल होगा उसको एक सैंड पेपर, उसको एक पेपर पे इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे और एक वाटर को ड्रॉप करेंगे। तो वहां पे जब आप देखिएगा, वहां पे जैसी लाइट के कंडीशन में रखेंगे तो जो फैट होगा उसमें इस तरह का देखने को मिलेगा, और वाटर जो होगा उसमें लाइट इजिली पास हो जाएगा। देखिए वाटर में इजिली पास हो गया, तो यहां से पता चल गया कि ये जो है ये ऑयल का स्टेन है और ऑयल में क्या होता है, फैट। तो ये इजिली पता चल जाएगा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका फाइबर। अब फाइबर किसको बोलते हैं, तो देखिए फाइबर जो होता है जितना भी रॉफ सरफेस है उस सब में फाइबर्स होते हैं, या जितना भी कांचा चीज जो खाते हैं हम लोग, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, यदि वो कच्चा के रूप में है यदि उसको खाते हैं तो वहां पे आपको फाइबर्स मिलेगा। तो फाइबर्स आर मटेरियल दैट एड बल्क टू फूड, तो फूड के साथ हम लोग खाते हैं, जैसे सलाद खाते हैं, तो जो सलाद है उसमें आपको फाइबर्स देखने को मिलेगा। ह्यूमंस कैनोट यूज फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट्स बट दे हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो खाना अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए हमें फाइबर की जरूरत पड़ता है। तो जब हम लोग फाइबर खाते हैं तो जो हम लोग का खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए, और इसके साथ उस खाना का मूवमेंट भी फास्ट हो जाता है, जिससे कि आपका पेट भी हमेशा साफ रहेगा। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब भी फाइबर खाते हैं खाना वगैरह, तो पानी तो पीते हैं, तो पानी जो है आपको कोल्ड वाटर नहीं पीना है, नहीं तो ये सारा फंक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। उसके जगह पे यहाँ पे वार्म वाटर है, तो जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको गर्म पानी साथ में रखना है, ना कि ठंडा पानी। और जिनके घर में फ्रिज है वो ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन कब पियेंगे, खाना खा लेने के बाद कम से कम एक घंटा बाद,
यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ठंडा पानी पी लीजिए, लेकिन खाना यदि आप खा रहे हैं तो वार्म पानी ही पीना है। इसके बाद जो आपका कंपोनेंट ऑफ फूड में है वो आपका है विटामिन। अब विटामिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विटामिन आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड आल्सो टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहा जाता है कि फल खाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें होता है विटामिन, और ये जो विटामिन होता है ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत देता है। तो जो विटामिन होता है, विटामिन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू फाइट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से लड़ने का स्ट्रेंथ देता है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। अभी विटामिन कहाँ पे मिलेगा, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। विटामिन से हमें क्या फायदा है, इन्फेक्शन से तो लड़ेगा, साथ में आपका आँख अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे में ही आँख खराब हो जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्री फायर खेल रहे हैं, तो गेम थोड़ा सा कम कर लेना है, और ये सब जो है फल सब्जी को ज्यादा से ज्यादा खाना है, और बोन फिर मजबूत करना है तो उसके लिए विटामिन चाहिए। टीथ, चॉकलेट खाकर पूरा टीथ बर्बाद कर देते हैं, तो चॉकलेट के जगह पे आपको विटामिन से लेना है। इसके बाद स्किन जो होता है, जब आप धूप में खेलते हैं तो स्किन जो होता है वह आपका डल टाइप से हो जाता है, तो यदि विटामिन लेंगे तो स्किन आपका अच्छा रहेगा। अब विटामिन में कई तरह के विटामिन होता है, ए बी सी डी ई के और भी विटामिन होते हैं, तो इतना विटामिन आपके लिए जरूरी है और इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि जितना भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन जो देखे हैं, उन सभी को एक जो बॉडी के अनुसार उसको यदि हम अमाउंट में लेते हैं तो हम लोग का जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जितना भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, इन द अमाउंट जितना चाहिए, दैट इज नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, उतना हम लोग को चाहिए आपका बॉडी अच्छा से काम करे उसके लिए। तो बैलेंस डाइट कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए लोग चाउमीन मैगी खूब खा रहे हैं तो उससे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैगी में केवल कार्बोहाइड्रेट है। गुपचुप आप खाते हैं तो उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पे देखिए ये जो बच्ची है ये तो केवल चॉकलेटें खा रही है तो इससे केवल फैट मिलेगा। तो हम लोग क्या खाएंगे कि बैलेंस डाइट मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए जब आप खाना खाते हैं तो वहां पे आपको कुछ सलाद लेना है, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई दो तीन फ्रूट्स ले लेंगे, कम से कम चार फ्रूट्स ले लीजिए, एक आम ले लीजिए, एक अंगूर ले लीजिए, अलग अलग करके चार फ्रूट्स ले लीजिए। फिर डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर डेयरी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पे आप कोकोनट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट से अच्छा कोकोनट मिल्क होता है। यदि कोई बच्चा कोकोनट मिल्क पीता है तो वो 10 साल में एक बार बीमार होगा, और डेयरी प्रोडक्ट खाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो कोकोनट मिल्क इतना अच्छा मिल्क होता है, लेकिन ये इधर जल्दी मिलता नहीं है। कोकोनट मिल्क में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और बीमारी को तो बहुत दूर कर देगा। इसके साथ जब हम लोग खाना खाएंगे तो फ्रूट्स ले लेंगे, कोकोनट मिल्क ले लेंगे, अगर कोकोनट मिल्क नहीं है तो डेयरी वाला जो गाय वाला दूध होता है उसी को ले लेंगे, दाल भी साथ में ले लेंगे, और जो रोटी और चावल में से कोई एक चीज ले लेंगे, और वेजिटेबल्स ले लेंगे। यदि इतना चीज यदि आप डेली कंज्यूम करते हैं, डेली लेते हैं, तो ये बैलेंस डाइट है जिससे कि आप बीमार नहीं पड़िएगा। यदि आप इनमें से कुछ भी चीज का कमी कीजिएगा तो आप जल्दी से जल्दी फिर बीमार पड़ जाइएगा।
तो इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स को जितना अमाउंट में लेना चाहिए उतना अमाउंट भी यदि लेते हैं तो आपका ही जो बॉडी है वो अच्छा से काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये जो बच्चा है यहाँ पे देखिए, इन लोग का खाना को देखिए क्या है, एक रोटी है और यहाँ पे देखिए एक जो पनीर है। अब इससे क्या होगा बताइए, और ये जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी में सारा न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए रोटी में क्या हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में, पनीर में केवल फैट, प्रोटीन ये सब गायब हो गया। तो देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट से काम चलने वाला नहीं है, तो इसीलिए इन लोग का देखिए शरीर, इन लोग क्या है अनहेल्दी टाइप से दिख रहे हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बफर सिस्टम चल रहा है, तो बफर सिस्टम में तो सब चीज देखने को मिलता है, तो इसीलिए देखिए इन लोग कितना हेल्दी है क्योंकि हेल्दी फूड खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन लोग भी कि इसी स्कूल में गए हैं और वहां पे भी हेल्दी फूड देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या है हेल्दी है। लेकिन यहाँ पे तो हेल्दी फूड खा रहे हैं लेकिन घर पे या फिर कहीं पे अब क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो हम लोग अगर बैलेंस डाइट को खाते हैं तो हम लोग का जो शरीर है वो अच्छा से काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्कूल का है, यहाँ पे देखिए इसमें आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, राइस और साथ में रोटी है, तो इससे क्या मिल गया कार्बोहाइड्रेट, इससे मिल गया कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे दाल है, तो दाल है तो यहाँ पे दाल से क्या मिल जाएगा प्रोटीन्स। और भी कुछ दिख रहा है, साथ में सब्जी है और सब्जी में केवल आलू ही दिख रहा है, तो पोटैटो, तो पोटैटो से क्या मिलेगा केवल कार्बोहाइड्रेट। और तेल तो बहुत कम ही होगा, तो ऑयल बहुत कम है लेकिन ऑयल थोड़ा मोड़ा है तो उससे काम चल जाएगा, तो वहां से मिल जाएगा फैट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, तीन चीज है। तो इससे इन लोग का बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छा से काम करेगा, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये तीनों बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद आता है विटामिन और मिनरल्स, यदि ये थोड़ा मोड़ा कमी भी हो जाता है तो हाँ थोड़ा मोड़ा बीमारी होगा, जैसे आँख कमजोर हो सकता है, दांत, लेकिन काम चल जाएगा, वैसे ले लेना चाहिए, काम नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पे ये छोटी बच्ची एक खा नहीं रही है, इसको खाना है चॉकलेट। अब देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है पूरा चॉकलेटे खा गया है, तो ऐसा नहीं करना है, फूड को अच्छे से खाना है और बैलेंस डाइट में खाना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में डिफिशियंसी, यदि हम अच्छे खाना को नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट को नहीं खाते हैं, तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होने का चांसेस होगा और कौन कौन सी बीमारी हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।